हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्किन टैग्स या बार्ड्स जिसको हम मस्सों के नाम से जानते हैं, और स्किन के मोल्स जिसको हम तिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जानेंगे हम इसके कारण के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इसकी मेडिसिन्स के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन्स यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए मस्से देख पा रहे हैं जिनको हम बार्ड्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टैग्स। तो ये टैग्स होते हैं और ये होते हैं मोल्स जिनको हम तिल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टैग या बार्ड्स के कॉज के बारे में। तो हमारी स्किन के नीचे जो कोलेजन फाइबर होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम आर्टरी और वेंस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये इकट्ठा होकर या एक्यूमुलेट होकर ये बार्ड्स बना लेती हैं या टैग्स बना लेती हैं। इसका दूसरा कारण HBP होता है। HBP मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण भी बार्ड्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर थूजा ऑइंटमेंट या बार्टेक्स क्रीम का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो इनमें से कोई एक जो है वो बार्ड्स पर अप्लाई किया जा सकता है। तो दिन में ये 2 से 3 बार जो है बार्ड्स की पोजिशन पर जो है लगा दिया जाता है। इसका दूसरा ट्रीटमेंट होता है लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी में देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर जो बार्ड्स होता है तो लेजर बीम के द्वारा यहाँ पर लेजर डाली जाती हैं। अब ये लेजर जो है आर्टरी और वेंस को जो है नष्ट कर देती हैं। अब जैसे ही आर्टरी और वेंस की जो सप्लाई होती है वो बार्ड्स तक नहीं पहुँच पाती है, तो ये बार्ड्स या टैग जो होता है वहाँ पर सूख जाता है। तो बार्ड्स और टैग को जो है लेजर की हेल्प से भी रिमूव किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोल्स की, जिसको हम तिल के नाम से जानते हैं। तो स्किन पर देखिए ब्लैक कलर के इस टाइप के स्पॉट बन जाते हैं जिसको हम मोल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारी स्किन की नीचे वाली लेयर जो होती है जिसको हम इपीडर्मिस बोलते हैं, उसमें होती हैं मिलेनोसाइट। और मिलेनोसाइट क्या काम करती हैं, ये बनाती हैं मिलेनिन पिगमेंट। और जितना ज़्यादा देखिए मिलेनिन पिगमेंट बनता है उतना ही ज़्यादा जो है बॉडी में ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर मिलेनोसाइट ओवर प्रोड्यूस कर देती है मिलेनिन को। अब जैसे ही मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा बन जाता है तो बॉडी पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है जिसके कारण शरीर पर इस टाइप के ब्लैक ब्लैक मोल्स दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बारबेरिस, एक्यूफोलियम और थूजा ओसीआई। तो इन दोनों में से कोई एक जो है जहाँ पर तिल होते हैं वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक जहाँ पर आपके तिल होते हैं वहाँ पर 2 टाइम इसको अप्लाई किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।